अजमेर ब्यावर के निकट गांव महेंद्रदुर अतान गांव के निवासी नर्सिंग छात्रा की हत्या के मामले में आज ग्रामीणों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अजमेर के सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज की भूमिका संदिग्ध है। ग्रामीणों का आरोप है कि नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल वार्डन के द्वारा कई महत्वपूर्ण तथ्य परिवार और पुलिस से छुपाई जा रही है, जिनका सामने आना बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मृतिका के परिवारों को मुआवजे और परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये बच्चियाँ संत फ्रांसिस नर्सिंग होम में, नर्सिंग जो हॉस्टल है उसमें थी और नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। उस दरमियान, ट्रेनिंग के दरमियान बच्ची को कब वहाँ से अगवा किया गया, कैसे निकली, इस पूरी घटना की जानकारी नर्सिंग स्टाफ को, हॉस्टल विभाग को है, लेकिन हॉस्टल ने अभी तक हमारे परिजनों को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी भाई कि बच्ची यहाँ से निकली या नहीं निकली। जब बच्ची मृत पाई गई उसके बाद में हमें खबर मिली है। अब वो बच्ची कैसे निकली, उस बच्ची के साथ क्या घटनाक्रम हुआ, ये पुलिस प्रशासन अभी उजागर नहीं कर पा रहा है। कभी तो कह रहा है बच्ची उदयपुर गई, वहाँ गई, वहाँ गई, अब वो कैसे गई, उसके पास मोबाइल नहीं है तो पुलिस को कैसे मालूम पड़ रहा है कि वहाँ गई। जब हॉस्टल प्रशासन ने हमने बात की तो हॉस्टल प्रशासन ये बताता है कि दो तारीख को हमने क्लॉक टावर थाने में FIR दर्ज करवा दी थी कि बच्ची यहाँ से, इस नंबर वाले का फ़ोन आता, कोई मोबाइल नंबर थे, उस नंबर को पुलिस को अवगत करा दिया और वो क्या कटवाते हैं MRI क्या, तो उसके बेस पे उन्होंने किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और फिर ये रहा कि बच्ची जब मर्द पाई गई तब पुलिस प्रशासन हरकत में आया तो जिस फेसबुक के वो लोग बता रहे हैं कि फेसबुक से गई, वो फेसबुक से दोस्ती हुई, तब फेसबुक कैसे हुई, बच्ची के पास मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल वो रखती ही नहीं है, और अगर रखती है वो कह रहे हैं वहाँ लोकेशन आई तो उस मोबाइल नंबर दिया जाए, हमें बताया जाए या पुलिस प्रशासन को बताया जाए या प्रशासन को बताया जाए कि इस नंबर से उस बच्ची की लोकेशन ली गई थी। अब हमें गुमराह किया जा रहा है, एक दिन बच्ची उदयपुर थी, दूसरे दिन चित्तौड़ थी, तीसरे दिन कोटा थी, तो वो उनको कैसे मालूम पड़ रहा है भाई कि वो बच्ची वहाँ थी। हम कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं, सर्व समाज के लोग हैं, हमने ब्यावर में ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करने आए हैं, हमारा निवेदन मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाए और इस बच्ची को न्याय दिलाए। हम ये जो भी दोषी व्यक्ति है उनको फांसी की सजा मिले और पुलिस प्रशासन ने अगर हमारे इस बच्ची के इस कार्य में कोई लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। दूसरा कि बच्ची के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा वे एक सरकारी नौकरी दी जाए, इसी को लेकर हम कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं।